वाओ, सो Amazon ने फाइनली ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की डेट्स अनाउंस कर दी है और ये शुरू होने वाला है 17th ऑफ अक्टूबर से। एंड अगर आप Amazon प्राइम मेंबर हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम आपको ऐप पे भी नजर आएगा, तो आपकी जो आपके लिए जो सेल की डेट है वो 16th ऑफ अक्टूबर से ही आपके लिए सेल शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे Amazon ने बहुत ही बढ़िया एक स्मार्ट प्ले किया है और वो ये है कि इन्होंने अपनी 17th ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा ये तो बता दिया है, लेकिन एंड कब होने वाला है ये सेल ये इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। Flipkart ने जबकि बता दिया है कि इनका जो सेल है वो 16 से 21st अक्टूबर चलेगा, तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट के Amazon एंड Flipkart पिछले कुछ सेल से ये हमेशा करते आए हैं कि वो सेल की जो डेट है वो एंड मोमेंट पे, मतलब कि आज रात को 12 बजे समझो सेल खत्म हो रहा है, तो यू नो शाम को 5-6 बजे तक बता देते कि भाई ये सेल और थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस मे हैपन, बट आई एम नॉट इवन सेइंग दैट दिस मे नॉट हैपन। तो भाई यहाँ पे Amazon ने अपना सेल कब खत्म हो रहा है ये तो नहीं बताया, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ये बहुत ही एक बढ़िया स्मार्ट प्ले हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने अभी तक देखा जाए तो टाइमिंग भी नहीं बताया कि जैसे स्टार्ट 17th अक्टूबर लिखा है, यूजुअली Amazon का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या कोई भी सेल होता है वो दोपहर को 12 बजे शुरू होता है, बट यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम सरप्राइजेस हियर ऑल्सो। तो अब चलो मैं आपको इस वीडियो में और भी ज्यादा चीजें बता देता हूँ कि ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है इसमें हमें कौन से प्रोडक्ट्स देखने मिलने वाले हैं, आप कैसे स्मार्टली ढेर सारा पैसा बचा सकते हो ड्यूरिंग दिस सेल, एंड ये जो टिप्स है ये मैं आपको बहुत ही बढ़िया प्रो टिप्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आप अपना ढेर सारा पैसा डेफिनेटली बचा लोगे कि भाई आप स्मार्टली कैसे पे कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास HDFC का कार्ड नहीं है तो भी आप कैसे आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हो ड्यूरिंग दिस सेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो दोस्तों। सो अब सबसे पहले अब आपको Amazon का ये जो सेल है, अगर आपको इसमें ज़्यादा पैसा बचाना है और आपको स्मार्टली जो है इस सेल में सारी चीज़ों की खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे ढेर सारी प्रो टिप्स बता देता हूँ आपको क्या करना है ताकि आप और भी ज़्यादा पैसा बचा लो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, अगर आप Amazon प्राइम के मेंबर नहीं हो, ये Amazon.in पे प्राइम मेंबर नहीं हो, तो भाई सबसे पहले आप ये प्राइम मेंबरशिप ले लो। देखो इसके जो भी चार्जेस है ना ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वसूल हो जाते हैं, क्योंकि भाई इसमें हमें एक तो सबसे बड़ी बात, एक प्राइम मेंबर को ड्यूरिंग द होल ईयर आपको प्रायोरिटी डिलीवरी मिल जाती है। इनफैक्ट आपको 24 आवर्स डिलीवरी के भी ऑप्शन होते हैं, तो भाई आप आज कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो और कल के कल आपको डिलीवर भी हो जाता है। इसके ऊपर जो भी ऐसे सेल्स शुरू होते हैं तो ये आपको 24 आवर्स अर्ली या एटलीस्ट कुछ आवर्स अर्ली तो आपको डेफिनेटली उन सेल्स में हिस्सा लेने मिल जाता है। उसके ऊपर आपको Amazon वीडियो जो है, Amazon प्राइम वीडियो, उसका आपको एक्सेस मिलता है, Amazon प्राइम म्यूजिक का आपको एक्सेस मिलता है, एंड वॉट नॉट। मतलब भाई Amazon प्राइम मेंबरशिप इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन के जिससे ना आप ढेर सारा पैसा डेफिनेटली बचाओगे। इन सारी चीज़ों के साथ अगर आपके पास जो ICICI का Amazon पे क्रेडिट कार्ड है अगर वो है तो भाई उसके साथ भी आपको और भी ज़्यादा फायदे मिल जाते हैं। आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है चाहे आप कितने की भी चीज़ मंगाओ, कितनी बार भी मंगाओ। मेरी सेकेंड प्रो टिप ये रहेगी कि या तो फिर आपके पास HDFC बैंक का जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो। ऑब्वियसली इस पर कुछ लिमिट होगी, अप टू 1500 या 2000 जो भी है वो ये बता देंगे। तो ये जो 10% का डिस्काउंट आप अगर आपके पास ये कार्ड है तो वो आप ले सकते हो। और एक तरीका है जिससे आप और ज़्यादा पैसे बचा सकते हो और वो ये है कि आपको हर एक पेज के नीचे ना ऐसे मिलेगा कि Amazon कूपन्स कलेक्ट नाउ एंड शॉप ड्यूरिंग सेल फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। तो अगर आपको पता है कि भाई आपको सर्टेन चीज़ आपको परचेज करनी है तो बस आप ऐसे कलेक्ट कूपन पे क्लिक कीजिए और बस ये देखिए मैं अब ये प्रोडक्ट्स अगर मैं ड्यूरिंग द सेल अगर मैं परचेज करूंगा तो इस तरीके से मैंने ये जो कूपन्स कलेक्ट की है तो भाई ये मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑटोमेटिकली मेरे जब मैं कार्ट में चेकआउट करूंगा तब ये अप्लाई हो जाएगा। अब नाउ इन माय नेक्स्ट प्रो टिप, अगर आपको ये जानना है कि भाई ये जो सेल शुरू होने वाला है और ये ड्यूरिंग द सेल कोई ऐसी डील्स भी तो आ जाती है यार कि जहाँ पे हमें 75% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, मे बी अराउंड 85% डिस्काउंट तक भी आ जाता है, मतलब कुछ भी आता है यार, क्योंकि ये बहुत ही बड़े सेल्स होते हैं तो इसमें कभी कभी ह्यूज प्राइस ड्रॉप्स होते हैं एंड ह्यूज डिस्काउंट आ जाते हैं।
पर इन डिस्काउंट्स का आपको कैसे पता चले? तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको है ना मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना है, जिसमें ना मैं आपको सारी की सारी जो लेटेस्ट डील्स है वो मैं आपको ड्यूरिंग द सेल वो आपको दे दूंगा आपके टेलीग्राम पे एट लाइटनिंग फास्ट स्पीड्स। सो भाई जैसे ही कोई भी डील आएगी वो तुरंत आपको टेलीग्राम पे मैसेज के रूप में मिल जाएगी, आपको सिर्फ उस लिंक पे करना है क्लिक एंड आप सीधा उस प्रोडक्ट के लिंक पे चले जाओगे। मेरी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज पे भी जो ये जो डील्स आने वाली है उसकी भी मैं आपको अपडेट्स भेजते रहूंगा। सो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को देख के आप उसे फिर तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को करना है क्लिक, आप अपने टेलीग्राम के जो है डायरेक्ट आप उस पे आप चले जाओगे ऐप पे और आपको डायरेक्टली बस नीचे ज्वाइन कर देना है मेरी चैनल को। ये कम्प्लीटली फ्री है। अब इसके बाद ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैं आपको प्रोटेक्ट दे रहा हूँ कि भाई आपको अगर पूरी लाइफ अगर आपको ऐसे ही अगर अपने पैसे और बचाने हैं और आपको ऐसे ही प्रो टिप्स चाहिए तो सबसे पहले आप मेरी इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। ये देखिए आपको ऐसे करना है या मोबाइल पे भी ऐसे ही कर सकते हो एंड इस आइकन को जो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। और भाई ये कम्प्लीटली फ्री है तो आप समझ सकते हो इसमें फायदा आपका बहुत ज्यादा है एंड आप इसी के वजह से आप ढेर सारा पैसा बचाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर सपोज करो कि आपके पास ये HDFC बैंक के कार्ड्स भी नहीं है, चाहे उसका डेबिट कार्ड हो चाहे उसका क्रेडिट कार्ड हो, जिसकी वजह से आपको 10% का डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, एंड सपोज करो कि आपके पास जो Amazon पे का जो ICICI का जो क्रेडिट कार्ड है वो भी नहीं है, तो भी आप कैसे आप स्मार्टली जो है यहाँ पे आप इस सेल का फायदा उठा सकते हो? तो आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आप Amazon Pay Later इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो एंड ये काफी बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक महीने तक तो वैसे ही जीरो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एंड आगे अगर आपको उसको EMI पे कन्वर्ट करना है तो आप उसे 12 महीने तक की EMI पे भी कन्वर्ट कर सकते हो और आपको रीपेमेंट जो है वो आपको आपके बैंक अकाउंट से करनी है। इस पे जो है ये पूरा वीडियो मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप देख सकते हो। इसका नाम है Amazon Pay Later, नो इंटरेस्ट, इजी EMI, हाउ टू अप्लाई, ये सारा जो है मैंने यहाँ पे प्रोसेस बता दिया है। अब अगर ये भी नहीं है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप EMI पे आप जो है प्रोडक्ट को भी बुक कर सकते हो। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, HDFC बैंक का नहीं है, कोई और बैंक का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन यस आप उसे EMI पे बुक कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को। इनफैक्ट अगर आपके उस डेबिट कार्ड के उस EMI पे अगर कुछ ऑप्शन है तो आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल जाएगा। आपको EMI पे कैसे अप्लाई करना है विथ रिगार्ड्स टू योर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इनफैक्ट आप यहाँ पे बजाज फिनसो का जो अगर आपका कार्ड हो तो उससे भी आप EMI बुक कर सकते हो। अब ये सारी चीजों से आपको EMI पे कैसे बुक करना है उस पर मैंने यहाँ पे वीडियोस बना दिए हैं, ये आप देख सकते हो। दिस इज माय वीडियो ऑन हाउ टू बाय ऑन EMI फ्रॉम Amazon। तो ये अगर आप वेबसाइट से अगर आप प्रोडक्ट बुक करोगे तो ये वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप ऐप से बुक करते हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसकी भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो दोस्तों इससे क्या होगा कि आप जो है जहां तक पॉसिबल हो ना, मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप EMI पे ले सकते हो और वो भी स्पेसिफिकली अगर आपको नो कॉस्ट EMI मिलती है तो भाई आप उसके लिए पहले जाओ, क्योंकि यार नो कॉस्ट EMI में ज्यादातर फायदा आपका खुद का होता है। ये मैंने खुद ने पर्सनली देखा है, मैं इतने सालों से प्रोडक्ट्स को मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो ये यहाँ पे हमें ज्यादा फायदा मिल जाता है। एंड भाई जो भी है आज के ऐसे टाइम्स में अगर हम जरूरत वाली जो चीजें हैं वो मंगाएं, नो कॉस्ट EMI पे मंगाएं और थोड़ा सा अगर एक लंबे अवधि में अगर हम उसे रीपे करते हैं बिना किसी ब्याज को चुकाए तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। अगर नो कॉस्ट EMI अवेलेबल नहीं है देन ओनली ऑप्ट फॉर इंटरेस्ट वाला EMI, क्योंकि भाई जहाँ पे ब्याज भरना पड़ता है ना तो भाई मेरे तो भाई पेट में दर्द होता है सच बोलूँ तो, क्या करें। तो दोस्तों ये सब स्मार्ट तरीके हैं कि कैसे आप इस सेल के दौरान आप पैसे बचा सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स पे जो है ये ज्यादातर डिस्काउंट्स आने वाले हैं जो इन्होंने अब तक ये डील्स रिवील की है। तो भाई ड्यूरिंग द सेल ढेर सारी ऑफर्स तो आने वाली है, अभी तक इन्होंने क्या रिवील किया है ये हम देख लेते हैं और मैं आपको जो भी सारी बेस्ट ऑफर्स है वही बताने वाला हूं, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ बेस्ट चीजें ही देखेंगे।
अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले स्मार्टफोन स्टोर की, तो भाई यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफर्स मिलने वाले हैं, नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाएगा, डैमेज प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है, वो आप सिलेक्ट करके बाय कर सकते हो अलग से। एक न्यू लॉन्चेस में ढेर सारी चीजें हैं, जैसे कि ये OnePlus 8T 5G लॉन्च होने वाला है आज की, इन्होंने ये जो डील जो रिवील की है दैट इज के सैमसंग गैलेक्सी S10 ये 39,999 का आने वाला है। अभी मैं इस पर क्लिक कर दूं ना तो भाई ये देखो अभी फिलहाल इसका जो रेट है ये 49,990 है, तो ये जोरदार है। यहाँ पे 2000 का कूपन एक्स्ट्रा ऑफ भी करूँ तो भी ये उतना तो सस्ता नहीं होता जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो भाई ये 40,000 के अंदर आपको गैलेक्सी S10 मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। इसके ऊपर यस आपको HDFC का डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, आपको मोबाइल एक्सचेंज करना है, वो सारी चीजें आप करोगे तो ये रेट और भी ज्यादा कम होने वाला है। अब यहाँ पे आपको और भी सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं एंड भाई बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे इन्होंने ये देखिए ये बहुत सारे ऐसे ये टीज की है ऑफर्स एंड यस ये आने वाला है। अगर आपने अब तक OnePlus Nord नहीं लिया तो अब आपका टाइम आ गया है कि आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। आईफोन 11 पे मिलने वाला है, M51, नोट 9 प्रो। इस बार मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि भाई जो 20,000 के नीचे अगर आपका बजट हो तो बहुत ही सारे फोन्स आने वाले हैं। आप यूं समझ के चलिए कि भाई आप 20,000 अपने हाथ में रखिए एंड आपको ढेर सारे मोबाइल्स इजीली मिलने वाले हैं। अगर आपको प्रीमियम फोन्स चाहिए देन यस वो भी डेफिनेटली आने वाले हैं, बट जहां तक देखा जाए तो यार आज के रेट में ऐसा है दोस्तों कि अप टू 20,000 वाले फोन्स ज्यादा हॉट सेलिंग केक्स बन गए हैं एंड यस उन्हीं की सबको जिनको जरूरत है वो उस सेगमेंट में आते हैं, करेक्ट दोस्तों। अब इसके बाद बात करें तो होम एंड किचन सेक्शन में भी ढेर सारी डील्स आने वाली है। आप देख सकते हो ये एक्वागार्ड का जो मार्वल वाटर RO प्लस UV प्योरीफायर है ये 20,000 का भी है, इसके ये नीचे के रेट में मिलेगा। यहाँ पे और भी आप देख सकते हो ये ढेर सारी डील्स है, तो भाई ये सारी डील्स मैं आपको जो है अभी दिखा रहा हूँ एंड इसमें आप देख सकते हो अखंड दिया, देन यू नो लाइफ लॉन्ग का गैस स्टोव, तो ये 3 बर्नर है, स्लीप एक्स ऑर्थो मैट्रेस इस पे डील आने वाली है एंड स्पिन मॉप्स है, वेगा का क्रक्स हेलमेट एंड भाई क्या क्या नहीं है, मतलब ढेर सारी चीजें है डेफिनेटली यस। फिर कैमरा एंड एक्सेसरीज में यहाँ पे ढेर सारी चीजें आने वाली है। अगर आपको कैनन का EOS 1500D DSLR कैमरा चाहिए ये मिलेगा, सोनी ZV-1 डिजिटल व्लॉग कैमरा, अगर आप एक व्लॉगर हो अगर आपको एक टॉप नॉच कैमरा चाहिए तो भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ये बहुत जोरदार है। आपको टीवीज एंड इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो है ढेर सारी डील्स मिलने वाली है, या आप देख ही सकते हो OnePlus का जो 32 इंच का एंड्रॉयड टीवी है इस पे कुछ डील है, सैमसंग का वॉशिंग मशीन बोलो, स्मार्ट टीवीज बोलो, डिश वॉशर्स बोलो, या फिर देखिए ये ढेर सारी चीजें हैं। अब बात करें फैशन की, मतलब के क्लोदिंग की, तो इसमें भी भाई ढेर सारे डील्स आने वाले हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। एंड अभी तक क्या है कि इन्होंने ये धीरे धीरे भाई कर्टन ओपन होने वाला है, धीरे धीरे पर्दा खुलेगा, तो जब तक 17 अक्टूबर आएगी तब तक इसमें यहाँ पे ये सारे फिगर्स और दिखाने शुरू हो जाएंगे। बीबा पे कुछ ऑफ है, पूमा पे ऑफ है, फॉसिल, लावी, अमेरिकन टूरिस्टर, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन एंड भाई क्या नहीं है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। बात करें अमेज़न के उसके अपने प्रोडक्ट्स की, जिसमें इको फायर टीवी किंडल, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। आप देख सकते हो इको डॉट एंड ये सारी चीजें हैं, फायर टीवी स्टिक है, फायर टीवी स्टिक लाइट, किंडल, ई रीडर एंड भाई, तो अगर आप अमेज़न के प्रोडक्ट के फैन हो तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट ढेर सारे मिलने वाले हैं। सो दोस्तों ये था ये पूरा वीडियो के भाई, जिसमें मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से, कंसाइज तरीके से ये बता दिया कि आप स्मार्टली कैसे शॉपिंग कर सकते हो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान, और कैसे आप स्मार्ट तरीके से आप जो है रीपेमेंट्स भी कर सकते हो ताकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा भी बचा लो एंड यार आप अपना बजट जो है उसी तरीके से आप उसे मेंटेन करके आप अपनी सारी जो भी जरूरतमंद चीजें वो आप ऑर्डर करके आप वो मंगवा पाओ। अब दोस्तों यही है इस वीडियो में, अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में एंड भाई अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हो एंड अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दो एंड मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं आपको ढेर सारी डील्स ऑफ दिस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल प्लस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज ये आपको मिलने वाली है एज सून एज दैट कम्स।